वेलकम टू आवर चैनल, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आइए जान लेते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यानी अब तक देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे के बारे में, जो बहुत जल्द जनता को समर्पित होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब इंतज़ार खत्म हो चुका है और आप भी देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का सफ़र करने के लिए तैयार हो जाइए। आइए देखते हैं कैसी तैयारी हो रही है इसके लोकार्पण की। वीडियो को लास्ट तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों गौरतलब है कि पूर्वांचल में विकास को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर तक 6 लेन के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू करवाया था। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 340 किलोमीटर है और इसे भविष्य में 8 लेन का किया जा सकता है। इस परियोजना से जनपद लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर लाभान्वित होंगे। और अब लखनऊ से गाजीपुर तक जाने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे करीब करीब बनकर तैयार हो गया है। इस बहुप्रतीक्षित एवं महत्वाकांक्षी परियोजना का लोकार्पण इसी माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। हाल ही में यूपी इडा के सीईओ व अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी लखनऊ से निरीक्षण करते हुए आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने कहा कि इसी महीने प्रधानमंत्री के इस रोड के लोकार्पण का कार्यक्रम है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इस बार बारिश कुछ ज़्यादा हुई है, इस कारण मार्ग पर कुछ जगह पानी लग गया था जिसको दुरुस्त कराया जा चुका है। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस पे सभी जगह बिजली की तार, लाइटें, सिग्नल लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। लेन मार्किंग कर ली गई है, रोड पूरा कंप्लीट है, करीब 97% से ज़्यादा पूरा हो गया है। इसके अलावा सुल्तानपुर के कूड़े भार में एयर स्ट्रिप को लेकर एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ भी निरीक्षण किया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वायु सेना के विमान उतारे जाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पौधारोपण तथा टोल प्लाजा के सभी कार्यों को सितंबर माह के अंत तक हर हाल में पूर्ण करें। इस मौके पर अवनीश अवस्थी ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इस पर 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वाहन को चलाया जा सकता है। हालांकि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही नियम निर्धारित है। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल पार्क के लिए मुख्यमंत्री का प्रस्ताव है जिस पर कार्य हो रहा है। जगह चिन्हित की जा रही है कि कहां कहां पर इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, क्योंकि इसी से पूर्वांचल के विकास का मार्ग निर्धारित होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सर्विस लेन, टॉयलेट ब्लॉक के कार्य को 6 अक्टूबर तक पूर्ण करें। जिलाधिकारी को पेट्रोल पंप का तत्काल लाइसेंस जारी करने के निर्देश दे दिए। कुछ इंटरचेंज पर काम अभी बाकी है जिसे जल्द पूरा करने का आदेश दे दिया गया है। दोस्तों पूर्वांचल से जुड़े अपडेट आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।